एक में ये मानव शरीर बड़ा अद्भुत है, जिसको भगवान कहते हैं देत इस बिनो हेतु सनेही। भगवान राम कह रहे हैं, भगवान राम कहते हैं अगर कोई बोले हमने बढ़िया कर्म किया ना पूर्व जन्म में, इसलिए भगवान हमें ये मानव शरीर दे दिया। लेकिन यहाँ पर कहते नहीं, कहते तुम्हारी कोई पुण्य से ये मानव शरीर नहीं मिला। हिंदी समझ गए ना, बोले देत इस बिनो हेतु सनेही, बोले भगवान ने कैसे कृपा करके तुम्हें ये जीवन दे दिया, कैसे कृपा करके दे दिया। क्योंकि देखो एक ग्लास में एक ग्लास वाटर है, लेकिन एक ग्लास वाटर में इतने बैक्टीरिया है, पृथ्वी में इतने इंसान भी नहीं होंगे। ये चीज मानते कि नहीं आप मानते कि नहीं जी? इसमें इतने बैक्टीरिया एक ग्लास में, पृथ्वी में इतने इंसान तक भी नहीं होंगे, इतने बैक्टीरिया जीव इसके अंदर। तो उसी हिसाब से इंसान कितना बहुत थोड़ी है, कुछ नहीं है। इसलिए ये भगवान स्वयं कह रहे देत इसी बिनो हेतु सनेही, बिना हेतु के बिना कारण के स्नेह होकर के भगवान कृपा करके बाईचांस कैसे तुम्हें जीवन दे दिया, जिसको कृष्णा यही बात भागवत में कहते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदं बहुशां भवन्ति। कहते दुर्लभ नहीं, भगवान कहते सुदुर्लभ, ये जीवन सहज में मिलता है नहीं, कैसे बाईचांस कैसे ये मानव शरीर हमें भगवान दे दिया है। इसलिए कहते दुर्लभम मनुष्य जन्मम, लेकिन दुर्लभ तो मनुष्य जन्मम है, लेकिन दहिनाम क्यों बन गया, लेकिन ये जीवन कमल दल दल जीवन टलमल, जैसे कमल पत्ते के ऊपर में पानी रखो जैसे वो डगमगाते है ना, ये जीवन ठीक वैसे है। कब खत्म हो जाएगा, हमने जो श्वास छोड़ा है दूसरा बार भी श्वास ले पाएगी कोई बोल सकता है? हमने जो श्वास छोड़ी है हम दूसरे बार भी श्वास ले पाएंगे, इस श्वास में गारंटी क्या है, कोई बोल सकता है दूसरा श्वास हम ले पाएंगे? इसी को पास में ये गारंटी नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम, कहते एक में तो ये मानव शरीर दुर्लभ है और उसमें सबसे ज्यादा दुर्लभ किया बोले वैकुंठ प्रिय दर्शनम, कहते भगवान की जो भक्तों का दर्शन है ना उससे भी ज्यादा दुर्लभ भक्त दर्शन है, उससे भी ज्यादा दुर्लभ भक्त दर्शन है भगवान है मानव शरीर से भी। इसलिए यहाँ पर श्री वसुदेव महाराज कह रहे हैं नारद जी आप कृपा करके हमें दर्शन दिया है, हमारा जीवन धन्य हो गया है, हमारा जीवन धन्य हो गया है, यज्ञ करने का हमारे फल साक्षात रूप में मिल गया, यज्ञ का फल हमें साक्षात मिल गया है। यज्ञ का नाम क्या था? विश्व शांति महायज्ञ। विश्व में शांति कैसे मिलेगा, देखो हम जो कुछ करते हैं ना किसके लिए करते हैं, शांति के लिए। भारत छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में क्यों आई, शांति के लिए। लिखाई पढ़ाई इतना क्यों किया, शांति के लिए। शादी क्यों करना चाहते हो, शांति के लिए। बच्चे क्यों जन्म देना चाहते हो, शांति के लिए। दुकान वकान घर क्यों बनाते हो, शांति के लिए। इसलिए हर चीज का मूल उद्देश्य है जीवन में शांति और सुख, यही ना, यही कहते शांति सुख है। लेकिन अगर हमारे पास में बड़े से बड़े मकान हो लेकिन शांति नहीं, उसका कोई महत्व है? बच्चे हैं, पत्नी है, बढ़िया नौकरी करते लेकिन शांति नहीं, उसका कोई महत्व है? लेकिन अगर सुख है दो रोटी में अगर शांति मिलती है ना, वो सबसे कीमती चीज है। इसलिए जगत में सबसे अनमोल वस्तु शांति, सबसे अनमोल वस्तु शांति, जगत में सबसे कीमती चीज शांति है, हैं? इसलिए सब कुछ हम लोग शांति के लिए करते हैं, लेकिन वो शांति मिलेगा कैसे, शांति कैसे मिलेगा? इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात पराम शांति। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जब तक जीव मेरे शरण में नहीं आते हैं, भले ही जो कुछ कर ले, जब तक जीव मेरे शरण में नहीं आते हैं जीव को कभी शांति परम शांति नहीं मिल सकती। लेकिन अभी प्रश्न है जीव भगवान को तक जाएगा कैसे, तो जीव भगवान तक जाएगा कैसे, बोले जीव तभी प्रभु तक जा सकता है जब तक जीव किसी संतों का दर्शन नहीं है। इसलिए जब इसलिए कल हम कथा सुन रहे थे ना, जब हनुमान जी से विभीषण की साक्षात्कार हुई, विभीषण क्या कहता है, हाँ तुम्हारे भाव भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना मिले ही नहीं संता।
इसलिए जो रघुवीर मेरे अनुग्रह के लिए तो हुई दरस ऐठे दिन लगता है आज मेरे ऊपर में भगवान राम की कोई विशेष करुणा हुई। तभी हनुमान जी का हमें दर्शन भगवान की प्यारे भक्त का दर्शन हो गया। मतलब है भगवान कभी पाने का भगवत प्राप्ति कभी दूर नहीं है। भगवान अभी हम जल्दी से जल्दी ठाकुर जी मिलने वाला भगवान मिल गए ठाकुर जल्दी जल्द उनको मिल गए ठाकुर जी हैं। इसलिए यहाँ पर जीवन में जब कोई शुद्ध साधु का दर्शन मिल जाता है ये समझ लो भगवान अभी पाने में अभी और देर है नहीं। भगवान हमें जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। इसलिए जब से नारद जी आए यज्ञबद्ध करवा दिया तो जरूरत नहीं चलो हम सबके सब श्री नारद जी के चरणों में बैठते हैं और बैठ कर कुछ ज्ञान की बात सुनते हैं प्रभु की कुछ कथा हम सुनते हैं। इसलिए वहां पर बहुत प्रश्न है उन्होंने 9 प्रश्न किया था। 9 प्रश्न में उसमें एक प्रश्न था कलयुग में भगवान कौन है और वो भगवान को पाने का सरल उपाय क्या है। उसमें एक प्रश्न था क्योंकि जब तक जी प्रभु प्राप्ति नहीं होगा शांति नहीं मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन यही है कलयुग में भगवान है कौन और उनको पाने का उपाय क्या है। जब उन्होंने ये प्रश्न की तब एक श्लोक बोले क्या श्लोक है जोर से इसलिए उसमें एक श्लोक है बोले कृष्ण वर्णम तिसाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम जग्यै संकीर्तन प्रायै जजंती ही सुमेधस। उस श्लोक में इसलिए श्लोक में कह रहे हैं कलयुग का भगवान क्या है बोले कृष्ण वर्णम कहते कृष्ण ये जो 2 अक्षर जिसको जीवा में हर समय कृष्ण का नाम जो उच्चारण करता हुआ कृष्ण 2 वर्ण एक बार मेरे साथ में सबके सब बोलो बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 हर समय जिसका जीवा उच्चारण होगा बोले तिसाम तिसाम मतलब उसका शरीर का रंग कैसे होगा बोले आ कृष्णा बोले कृष्णा नहीं आ मतलब नहीं कृष्णा मतलब काले जो काले नहीं जो गोरे। आप देखना भगवान की जितने सारे अवतार आप बताओ कन्या का रंग कैसे है भगवान राम कैसे है वही दुर्वादल श्याम है। इसलिए मत्स्य पुरमा जितने भगवान देख लेना सब काले हैं कोई गोरे नहीं सब काले लेकिन एक ही श्री चैतन्य महाप्रभु हुए जो गौर बने वो हुए गोरे बोले ये गोरे क्यों हुए काले हैं। कलयुग में उन्होंने राधा रानी जी के भाव और अंग कांति ये 2 चीज को उन्होंने लिया राधा रानी से उधार लिया लेकर के राधा रानी कृष्ण प्रेम में कैसे दीवानी बनती कैसे राधा रानी कृष्ण प्रेम में है कैसे आनंद की अनुभूति करते हैं उसको आस्वादन करने के लिए कृष्ण स्वयं उनकी भाव अंकांत लिए। इसलिए एक नाम है गौरव हरि मतलब क्या है गौरव मतलब राधा रानी गौरी हरि मतलब कृष्ण कहते अंतर कृष्ण बहिरी गौरव जो अंदर में कृष्ण है लेकिन बाहर में श्री गौर हरि चैतन्य महाप्रभु इसलिए उनका नाम गौरांग गौरांग जिसका है। इसलिए कहते अकृष्ण उनका रंग कैसे होगा वो गोरे वो काले नहीं होंगे वो गोरे होंगे। कहते क्या वो अकेले आएंगे नहीं कृष्ण अकेले थोड़ी आए राधा रानी आई उनका सखियां आई ग्वाल बाल आए धाम भी साथ में धाम भी आए। इसलिए कहते वो क्या अकेले आएंगे उनके साथ में दाऊ भैया भी आए बोले नहीं अकेले नहीं आते हैं बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपाक सदस्य धाम सावधान। जब इसी जगत में भगवान आते हैं जैसे प्रभु राम आए उनका अयोध्या धाम है कि नहीं कृष्ण आए उनका कौन सा धाम है वृंदावन धाम है। अभी भी उनके सारे कहाँ रास रचाए कहाँ गिरदार धारण किया कहाँ उन्होंने गैया चराए कहाँ बंसरी बजाए अभी भी प्रभु जी की सारे चरण चिन्ह बना पाए अभी भी ठाकुर जी का साढ़े इतनी बड़े बड़े चरण चिन्ह भगवान 5,500 से अभी भी सारे चरण चिन्ह है। इसलिए राम का
अब अयोध्या गए हैं, बहुत बन गए अयोध्या, वहां पर कामदगिरी में गए हो, जहाँ पर भरत जी के साथ में प्रभु राम की मिलन हुई है, हैं? जहाँ पर मिलन हुई पूरा के पूरा, अभी भी वहाँ किचड़ किचड़ हो गया प्रेम में, अभी भी भगवान राम के इतने बड़े बड़े चरण अभी भी वहाँ पर पड़े हुए हैं। वहाँ पर बहुत सारे राम लीला के बहुत सारे स्थानों में देखोगे इतने बड़े बड़े प्रभु का चरण, और जहाँ पर राम लक्ष्मण शयन करते थे, राम सीता शयन करते थे, हम लोग गए नहीं ना, कितने बड़े इतने घर जैसे इतना बड़ा एक ये होगा पत्थर होगा, अभी भी प्रभु राम और सीता जी की पूरा जो शयन करते थे पिघल करके पूरा के पूरा चिन्ह, और जहाँ लक्ष्मण दूर से बैठी करके लक्ष्मण का कभी विश्राम नहीं किया, 14 साल तक कभी विश्राम नहीं किया है, इसलिए विश्राम नहीं किया, इसलिए मेघनाथ ने जब शक्तिशाली प्रयोग किया ना, मेघनाथ कभी लक्ष्मण को शक्तिशाली प्रयोग कर सकता है, जो साक्षात शेष है, साक्षात भगवान को शक्तिशाली कर सकते हैं नहीं, बल ऐसे क्यों हुआ है, भगवान राम ने देखा, देखो लक्ष्मण 14 साल तक सोया है, सारे कमल फूल बंद होता है, लेकिन लक्ष्मण के जो दो कमल था नेत्र कमल भी कभी बंद नहीं, 14 साल तक माया भी स्वयं आए हैं, मतलब थोड़ी सी विश्राम करी, कभी उन्होंने विश्राम नहीं किया, देखो भैया 14 साल तक सोए नहीं, थोड़ी सी तो रेस्ट तो मिल जाएगी, देखो लक्ष्मण को शक्तिशाली क्या मार सकता है, साक्षात लक्ष्मण तो नहीं, साक्षात आनंद देव धैर्य धैर्य उनको शक्तिशाली थोड़ी कुछ कर सकता है, इसलिए उनको विश्राम दिलवाना चाहते थे, इसलिए उनको ये शक्ति शैली हुई है, इसलिए जहाँ पर लक्ष्मण धनुष रख करके देखते रखवाल करते थे, आप लोग गए देखो, आप एक आश्चर्य चीज वहां देखोगे, लक्ष्मण का कितना बड़ा धनुष था, अभी पूरा वहां चिन्ह रखा पड़ा पड़ा हुआ है, वहां जैसे पत्थर जैसे, लेकिन पूरा इतना इतना घर जैसे इतने बड़े धनुष उनका, इतना बड़ा धनुष था, अभी भी वो सारे प्रमाण प्रमाणित करते हैं, इसलिए इसी जगत में जब भगवान आते हैं वो अकेले नहीं आते, वो पूरा धाम और परिक्रमा को लेकर इसी जगत में भगवान आते हैं, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए वो अकेले नहीं आए, बल्कि सांग बल्कि उनको श्री अंग और श्री दाऊ भैया, जैसे कृष्ण का दाऊ भैया, इसलिए महाप्रभु का कौन आए, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत आचार्य, और उनका अस्त्र जैसे द्वापर युग में भगवान के अस्त्र चक्र था कृष्ण का, राम का धनुष था, कल युग में उन्होंने कोई अस्त्र धारण नहीं किए, उनका अस्त्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बल यही कल युग में अस्त्र, अभी अस्त्र जैसे ये भगवान का नाम कोई अस्त्र हुआ है, जैसे भगवान राक्षस को मारे, कृष्ण भी मारे, धनुष और चक्री अस्त्र कैसे है, हाँ कहते कलि युग में यही अस्त्र है, बल अस्त्र से क्या करते हैं, बल मारते हैं, इसलिए महाप्रभु बड़े दया, राधा महाप्रभु बड़े दया, क्यों, वो राधा जी की भाव अंगना को लेकर गया, इसलिए राधा रानी बड़ी दयालु बड़ी कृपालु राधा रानी, आप देखे राम भी मारे कृष्ण भी मारे, लेकिन सीता किसको मारी है, मैया राधा रानी किसको मारे है, नहीं मारे, क्यों, राधा रानी बड़ी दयालु बड़ी कृपालु, इसलिए करुणा कुरुमयी करुणा मृति, इसलिए वृंदावन में जाओ ना, इसलिए कोई भी कृष्ण का नाम कोई वहां नहीं लेते, किसका नाम लेते हैं, राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से राधे राधे, इसलिए वृंदावन में सबके सब श्री राधा जी का नाम लेते, क्यों, राधा रानी बड़ी कृपालु राधा रानी बड़ी दयालु श्री राधा रानी, इसलिए सबके सब वहां पर श्री राधा रानी का नाम को ग्रहण करते हैं, इसलिए राधा रानी बड़ी दयालु, इसलिए वो राधा जी के भाव अंगना से लेकर के आए, इसलिए उन्होंने किसको मारे, तो उन्होंने क्या किया, सबका हृदय को उन्होंने शोधन करके, हृदय में जो काम क्रोध लोभ बैठे हुए हैं इसको उन्होंने एकदम पवित्र कर दिया, जिनको पूरा हरिनाम कीर्तन का द्वारा क्या होगा, हृदय में जो काम क्रोध इन सबके सब खत्म हो जाएगा, इसलिए महाप्रभु बोले चेत दर्पण आचनम, भगवान के नाम जप करने पर हृदय रूपी जो दर्पण जो शीशा है ना अपने आप साफ हो जाता है, अपने आप साफ हो जाता है,
इसलिए बोले कलयुग में उन्होंने अस्त्र किया है हर भगवान का नाम है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं यज्ञ संकीर्तन प्राय यजति ही सुमेधस। इसका मतलब है कलयुग में जो सुमेधस, सुमेधस मतलब जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, जो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, वो योग ज्ञान कर्म इधर उधर नहीं भागेंगे, हैं? वो इधर उधर नहीं भागेंगे, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, हैं? तो बोलेगा नहीं भगवान का नाम भी थोड़ा लो और थोड़ा उसको भी थोड़ा कर लो, ज्ञान का थोड़ा साधन, योग का थोड़ा साधन उसका, बोले नहीं कलयुग में कुछ करने का जरूरत नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग के बल नाम कलयुग के बल नाम। इसलिए बोले कलयुग में है, इसलिए कलयुग के बल, देखो इसमें जो शब्द प्रयोग कहते हैं केवल, केवल मतलब और कुछ और इधर उधर कहीं जाने का जरूरत नहीं, केवल है नाम से कीर्तन का। इसलिए हमारे भविष्य पुराण में हाँ कलि संसार में उपनिषद में बताए हरे नाम हरे नाम हरे नाम, हरि का नाम हरि का नाम हरि का, तीन तीन बार लिया। तीन बार क्यों लिया? बोले किसी बात को अगर तीन बार बोल देना पक्का हो जाता है। अब तीन बार क्यों बोले? हम कलियुग का जीव है ना, एक बार बोलने पर हम नहीं सुनने वाले, एक बार बोलेगा तो हम नहीं सुनेंगे, नहीं। इसलिए बोले भैया इसलिए यहाँ तीन तीन बार, और दूसरे लाइन में नहीं नहीं नहीं, दूसरे लाइन में भी नहीं नहीं नहीं, तीन बार बोले नहीं और नहीं और कहीं नहीं जाना, बस भगवान के नाम जप करने से क्या होगा है? इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सुमेधस, मतलब कलयुग में बहुत ज्यादा बुद्धिमान जो व्यक्ति होगा, बोले यज्ञ संकीर्तन प्राय, कलयुग में संकीर्तन रूपी यज्ञ के द्वारा भगवान को उपासना करेंगे। तब यहाँ प्रश्न करते हैं, बोले भैया आप बताया यज्ञ कलयुग में संकीर्तन यज्ञ है? बोले हाँ। बोले यज्ञ के लिए तो कुंड होता है, बच्चे को गोद में वही रहता, नहीं तो कोई कथा नहीं सुन रहा। इसलिए कहते यज्ञ के लिए तो बहुत सारी चीजें होती है, यज्ञ का कुंड होता है, हवन सामग्री होता है, घी होता है, उसमें हाँ अग्नि होता है, इतने सारी चीज हो जाकर कहीं यज्ञ होता है। बोले भगवान का नाम तो अपने यज्ञ कैसे बोल दिया है? हाँ देखो कैसे यज्ञ बोले, बोले जो कान है ना देखो कुंड है, जैसे हवन कुंड होता है ना, ये कान देखो जो कुंड जैसे, बोले इसमें एक चम्मच होता है घी डालने का, बोले वो चम्मच गया, बोले ये घी कहाँ है, बोले घी कहाँ है, बोले जिस भाव को साथ में हरि नाम करते हो घी, बोले अग्नि कहाँ है, बोले जब भगवान के नाम उच्चारण करते हैं जो हृदय में जो प्रेम प्रकट होता है यही अग्नि। मतलब कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति कान रूपी कुंड में जीवा रूपी चम्मच के द्वारा भाव रूपी घी को और कृष्ण नाम रूपी मंत्र, जैसे ना इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, वो कहा है? बोले भगवान का नाम है, जब कानों में प्रदान करते हैं हृदय में जो भाव प्रकट होता है यही अग्नि है, यही अग्नि है। इसलिए बोले नाम को बाद खींच आएंगे आखिरी एक दिन श्याम हरि से बड़ा हरि का नाम, भगवान का नाम लेने से। बोले द्रौपदी ने जब नाम पुकारी झट आ गए श्याम है। इसलिए हनुमान जी लंका जाने के लिए भगवान राम को फूल की जरूरत पड़ा, हनुमान की कोई पुल की जरूरत पड़ा? वाह जय श्री राम, जय श्री राम बोले तो पूरा है, पूरा उन्होंने समुद्र पर लांग दे। इसलिए कहते कलयुग में भगवान का नाम कीर्तन ही यज्ञ, यज्ञ से क्या होता है, जैसे यज्ञ में आहुति दो ना घी डालो, पूरा चतुर्पार्श्व पवित्र हो जाता है घी की खुशबू से। घी देने पर इसका एक अर्थ है देवता लोग भी प्रसन्न होते हैं और उसको द्वारा पूरा परिवेश पवित्र हो जाता है, घी की आहुति डालने पर पवित्र हो जाती है। लेकिन जब भगवान के नाम जब करते हैं
कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि। जब भगवान के जब नाम कीर्तन करते उसका आवाज उसका शब्द भगवान की ध्वनि चारों तरफ में बिखर जाती है। हाँ, चारों तरफ में प्रभु का नाम की ध्वनि, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, शब्द तो नष्ट नहीं होता है। मैंने पहले बताया था ना, जैसे पानी में एक पत्थर फेंको उसमें क्या होगा, लहरी आती है, लहरी आती है। उसी तरह जब हम नाम जप करते हैं, ये नाम की भी लहरी चारों तरफ में फैलती रहती है, चारों तरफ फैलती रहती है। उसको द्वारा क्या होगा, पूरा परिवेश पवित्र हो जाता है, पूरा परिवेश पवित्र होता है। जैसे देखो अभी हम यहाँ बैठे, कहाँ पर बैठे हो, ब्रिजबिन में बैठे, सचमुच क्या ब्रिजबिन, ब्रिजबिन तो ब्रज भर वृंदावन है ना। इसलिए नारद जी भगवान से पूछे है ना, बोले प्रभु आप कहाँ रहते हो, भगवान ने क्या बताया, बोले ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायति तत्र तिष्ठामि। भगवान खुद कहते हैं, बोले नारद जी दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, दुनिया कहते मैं योगियों का हृदय में, मैं वहां भी नहीं। बोले प्रभु फिर कहाँ रहते हो, बोले एक जगह पर मेरे को पाओगे, मद भक्ता जत्र गायति, जहाँ पर मेरे भक्त जन बैठी करके मेरी कथा सुनते हैं, मेरी कीर्तन करते हैं, वहीं रहता हूँ। इसलिए अभी कहाँ पर बैठे हो, वृंदावन में बैठे, कहाँ बैठे हो, वृंदावन तो है, वृंदावन तो है। इसलिए हम भगवान की चरण में वृंदावन धाम में ही हाँ बैठे हुए हैं। इसलिए श्री इसलिए एकादश स्कंद बताए, हाँ इसलिए जगते ही संकीर्तन प्राय ही जयंती ही सब। जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेंगे, भगवान के नाम कीर्तन के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान किसी से ही ठाकुर सबसे ज्यादा प्रसन्न, प्रभु की नाम से ही जितने प्रसन्न होते हैं, और किसी उपाय के द्वारा भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जोर करके जितने जोर से नाम लोगे ना, एक बार तो नाम लेंगे, समझो हाँ ये 50 भक्त बैठे हैं, लेकिन एक बार तो करोगे नाम, लेकिन 50 नाम करने का फल मिलेगा। क्यों, सभी का आवाज सभी के कानों में जाता है, इसलिए एक साथ में 50 माला करने का फल मिल जाएगा, और दुनिया में कल्याण होगा, संसार का सारे दुख कष्ट दूर हो जाएगा। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे संवाद सुन रहे थे जिसका नाम था श्री राय रामानंद संवाद, जिसमें भगवान स्वयं प्रश्न करते हैं और भक्त स्वयं आंसर देता है। लेकिन गीता क्या है, यहाँ पर भक्त प्रश्न कर रहा है और भगवान उत्तर दे रहे हैं, अर्जुन प्रश्न कर रहा है कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। लेकिन जो राय रामानंद संवाद में यहाँ पर भगवान प्रश्न कर रहे हैं और उसका उत्तर कौन दे रहे हैं, उसका उत्तर भक्त दे रहे, वही अर्जुन ही यहाँ पर राय रामानंद है और वो विशाखा सखी भी है, विशाखा सखी भी है, ये इसकी उत्तर दे रहे। इसलिए हम लोग इसको पहले जो कथा सुने थे, बताओ कहाँ तक सुने थे, जोर से So we've been listening to the discussion between Raya Raman Samman, Raya Raman, Raya Raman and Chaitanya Mahaprabhu. So Chaitanya Mahaprabhu asks that, please give evidence what is your topmost goal of this of our life, and using scriptures as evidence, please give your answer. So then he started saying it, one ashram dharma, saying that because the Lord has created one ashram dharma, saying that by following one ashram dharma for jivas, they can obtain, having Krishna as the supreme in the center of their life, they can obtain, they can be happy and become, this is the purpose of our life. Then because one ashram dharma is related to the body,
Chaitanya Mahaprabhu said, no, this is external. So then later he said, doing a form of karma. Whatever you do, surrender, give the results to the Lord. Then Mahaprabhu said, no, this is also external because it's still related to the body. Plus, in this process, you consider yourself as a donor, doer. So, and because you're doing it yourself and then you're offering to the Lord. Then, first in bhakti, first you need to surrender before you give them, before you do any activity. So then Mahaprabhu said, this is external. Then he said later, the next one he said was, Gyan. Then he said, Gyan. He said, taking the form of Gyan. Gyan, there's three types of, Maharaj just explained, there's three types of knowledge. One knowledge is knowing about the Lord. Second knowledge is knowing about yourself, the jiva. And so these two are favorable in terms of doing bhakti. But the third one is the oneness, going merging into the Lord and the jiva merging into the Lord. So saying that this is again bhakti. So, but most people, when they think of gyan, they think of Brahma gyan. So then Mahaprabhu said, no, this is external. So then he starts speaking about Gyan sunya. Without doing bhajan, doing bhakti, without doing gyan sunya. So in this verse, when Ramana quoted the scripture verse, he mentioned two things. One was then doing process of bhakti, and second one was doing association of devotees. Then Mahaprabhu accepted this. Yeah, this is right. It is the starting of bhakti, at least. So then later he went to the next one. He spoke about. Then he started speaking about what are different types of bhakti, different types of rasas, sakya, dasya ras, sakya ras, vasalya ras, and madhur ras. गतकल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्री राय रामानंद ने बताए ज्ञान शून्य इसलिए ज्ञान प्रयास मधुपास्य नमंत एव जीवति सन्मुखरीतम भवति अवस्था इस श्लोक में बताए भगवान का एक नाम अजित है। अजित मतलब होता है जिनको पाना बहुत कठिन है, जिसको जितना बड़ी कठिन है। क्योंकि कल सुन रहे थे जद्यपि समाधि सुविधि कश्यति न तव नखागमति। ब्रह्मा जैसे व्यक्ति जिनको आराधना करते करते दर्शन की बात छोड़ दो, जिनकी चरण की नख की छटा को भी दर्शन नहीं कर पाते, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति है। इसलिए भगवत दर्शन बड़ा कठिन है। अभी प्रश्न है क्या वो मिलेंगे नहीं हमें? बोले हाँ मिलेंगे। बोले कैसे मिलेंगे? तब उसको उपाय इसी उपाय इस श्लोक में बताए। बोले सारे ज्ञान के प्रयास को छोड़ करके एक यहाँ पर एक तत्व ज्ञान है और एक है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान मतलब जो जीव चाहता है अंतिम समय में अपना ज्योति को वो ब्रह्म ज्योति में लीन करते हैं। बोले उससे भगवान नहीं मिलते हैं, उससे भगवान नहीं मिलते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं तेसाम अव्यक्त चेतसाम अव्यक्तम ही दतिर दुखा। हे अर्जुन, जो मेरे को निराकार निर्विशेष मान करके भजन करते हैं उनका जो गति दुख में गति है। और जब कृष्णा देवकी गर्भ में आए एक साथ में 33 करोड़ देवता कह रहे हैं। बोले प्रभु, जो व्यक्ति आपको निराकार निर्विशेष मान करके बड़ी कठोर तपस्या करते हैं और करते 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 बड़ी ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं, लेकिन वहां से उनको पतन हो जाता है। क्यों? चूंकि वो आपकी भक्ति को, आपके चरणों को उन्होंने अनादर किया है। अनादर करते हुए ज्ञान मार्ग में गया है, बड़े ऊंचे पद को पा करके भी वहां से उसको पतन हो जाता है। लेकिन तेरे भक्ति को जो आश्रय ग्रहण करता है, तेरे भक्ति बड़ा सरल है। भक्ति बड़ा सरल उपाय भक्ति है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं श्रेय श्रुति भक्ति बुद्धस्ते विभु क्लिशत जे केवल बुद्धलब्ध है। ब्रह्मा जी कहते हैं भक्ति मार्ग बड़ा सरल मार्ग है, ज्ञान कर्म मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, कल हम सुन रहे थे ना कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, अगर भक्ति पूर्वक चार चीजों में कोई एक चीज भी हमें दे दे, पत्र पुष्प फल फूल, अगर भक्ति पूर्वक चार चीज की बात छोड़ दो, एक चीज पत्र, अगर थोड़ी सी पत्ता कोई भगवान को दे दिया, किसने? विदुर ने, विदुर आदि ने भगवान को साथ लाया, भगवान खुश हो गए। फल, जब सबरी घर में प्रभु राम पहुंचे सबरी के पास में,
समझ गया कि पहले खा रहे थे फल को, खट्टे फल को फेंक रहे थे, मीठे फल को मधु को खा खा करके दे रहे थे। फिर भगवान खुश हो गए, सबरी बोले बहुविध स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सदा। भगवान प्रेम में सबसे जल्दी खुश होते हैं। बोले सबरी आज तेरे झूठे बैर में जो आनंद आया ना, वैकुंठ में मेरी है मेरी महिषिया कितने छापा भोग 36 व्यंजन भोग लगाते हैं, वो आनंद नहीं आता तुम्हारे झूठे बैर जो आनंद आया। इतने भगवान खुश हो जाते हैं। और महाप्रभु की लीला में एक भक्त था जिनका नाम था श्रीधर। वो श्रीधर वो क्या बेचता था, केले, केले का फूल और घिया यही बेचता था मार्केट में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वहां पर और भी बहुत सारे थे लोग, लेकिन वो किसी को पास में नहीं जाते थे, इसको ही पास में जाते थे। और वो देना नहीं चाहता था, लेकिन महाप्रभु लड़ झगड़ करके उससे लेते थे। मैं लूंगा तो तेरे से लूंगा और बिना पैसा में सबसे बढ़िया लूंगा। वो कहता था प्रभु हम गरीब आदमी हूँ, इसमें बेच करके जो थोड़ी पैसा होता है आधा पैसा तो गंगा की सेवा में लगाता हूँ, आधा पैसा बिजनेस और परिवार के भरण पोषण में। महाप्रभु कहते थे गंगा तो मेरी दासी, मेरे चरण से निकले। बोले कैसे क्यों कह रहे, उनको पता नहीं था ना अभी भगवान है, बाद में जो फिर उनको पता चला यही श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु, फिर तो रोने लग गए। इसलिए वो नहीं देने पर भी रोज उसको ही पास में जाते थे, लड़ झगड़ करते थे, क्यों उससे ग्रहण करते थे। क्यों, भगवान कहते हैं भक्तर द्रव्य प्रभु कारी कारी खाए, अभक्तर द्रव्य प्रभु उलट नहीं चलना चाहिए। मतलब भक्तों का वस्तु भक्त नहीं देने पर भी भगवान उससे लड़ झगड़ करके लेते हैं, लेकिन जो अभक्त जैसे दुर्योधन भगवान के लिए छापान भोग छत्र से व्यंजन बनाया था, भगवान देखे नहीं उस तरफ में। और विदुर जी घर में जाकर खेल केले का छिलका ठाकुर जी खाते हैं, इसलिए भक्त का ही वस्तु भगवान ग्रहण करते हैं। और गुरुदेव उदाहरण चौथा चीज उदाहरण देते हैं, जिस समय कृष्ण गोचारण करते करते भातरोल में पहुंचे, सखा ने कहा कन्हैया आज बड़े तेज पेट में भूख लग रहा है, कुछ खाने पीने का व्यवस्था कर दे। बोले चिंता क्यों करते हो, जाओ पास में ये यज्ञ हो रही है, ये ब्राह्मण को पास में जाकर के मांगो, कृष्ण बलराम आए हैं उनको भूखे हैं। लेकिन जो मांगे वो उनको तरफ में देखे भी नहीं, वापस आ गए। बोले कृष्ण तुमने बताया तेरे नाम सुन कर देंगे, तेरे नाम सुनकर तो अनसुनी कर दिया, अनसुनी कर दिया, दिए ही नहीं। बोले एक काम कर, उनका जो पत्निया है ना मेरे परम भक्त है। बोले जो इतने चार चार वेद को पढ़ी, तीन तीन को चतुर्वेदी त्रिवेदी दोविदी उनको बताया जाते हैं ब्राह्मण को, वो सारे वेद पुराण को जो पढ़े और पढ़ करके तेरे को पहचान नहीं पाए, जो स्त्रियां अपवित्र रहती हैं जिनकी वेद में अधिकार नहीं है, अब तू कह रहे उनको पास में जाओ। कृष्ण ने कहा देखो जो भक्ति है ना वो किसी को पर निर्भर नहीं करता है, भक्ति कहीं भी किसी रूप में भक्ति कहीं भी प्रकट हो सकती, तो उनको पास में जाओ वो मेरे परम भक्त है। ठीक है एक बार जा करके देखते हैं। जब वहां पर गए ना मथुरा में दिव्य पत्नियों के घर में, सचमुच से देखा दूर से वो लोग अपना हाथों से सेवा कर रहे थे और मुंह में क्या कर रहे थे, बोले जय जसो मति नंदन ब्रज वरनार गोकुल रंजन कान गोपी परायण सही बोल रहा था। देखो दूर से हमारी कन्हैया के नाम कीर्तन कर रहे हैं, सचमुच से ये भगत है। जब वहां पर गए बोले कृष्ण पास में आए हुए, कृष्ण बलराम भूखे हैं कुछ भोजन वगैरह, बोले कृष्ण बलराम पास में आए, बोले हाँ, बोले अपना हाथों से खिला सकते, बोले इसलिए तो हमें भेजा है। जितने यज्ञ के लिए लड्डू कचौड़ी मालपुआ और जितने बना हुआ था ना सबको उठा उठा कर लेकर भागने लगे है, भागने लगे जैसे नदियां समुद्र के तरफ में जाती हैं। किसी ने जाकर के ब्राह्मण को बोल दिए, बोले तुम लोग ये यज्ञ के लिए जितने मालपुआ लड्डू बनाया था ना सब तुम्हारी पत्नियां कृष्ण बलराम को खिला के ले जा रहे हैं। सब छुट्टी खड़े करके भले हुआ से सब छुट्टी खड़े करके बोले कहाँ जा रहे हो, बोले कृष्ण बलराम को भोजन कराने के लिए। बोले खबरदार घर से निकलोगे ना टांग तोड़ देंगे सबके सब, घर से बाहर नहीं जाना,
नहीं तो घर में घुसने नहीं देंगे, बोले तेरे घर में ही नहीं आएंगे हम तो कृष्ण भगवान के पास में रहेंगे, वही पर रहा करेंगे, बोले खबरदार वापस नहीं आना, बोले वापस नहीं आएंगे। सचमुच से उन लोगों ने जब लाए भगवान को भोजन कराया, भोजन कराने के बाद भगवान को जाओ घर में वापस चले जाओ, बोले हम लड़ाई झगड़ा बैठ रहा है हम बोल करेगा तुम्हारे घर में ही नहीं आएंगे, हाँ अभी पति लोग हमें घर में घुसने नहीं देंगे, बोले कोई चिंता मत करो अभी तुम लोग जाओगे ना तुम्हारे चरण की पूजा करेंगे पति लोग, चरण की पूजा करेंगे, बोले हाँ एक बार जा करके देखो। सचमुच से जब पत्नियां सब लड्डू कचौड़ी मालपुआ लेकर कृष्ण के लिए आए ना, बाद में ब्राह्मण लोग अपना जीवन को धिकार करते रहे थे, धिकार दे रहे थे, कहा जितने वेद पुराण उपनिषद का सार कौन है, भगवान है, इसलिए यज्ञ स्वरूप कौन है, भगवान कृष्ण है यज्ञ स्वरूप है, इसलिए साक्षात भगवान आकर के मांगे और हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ स्वरूप तो भगवान है, स्वयं मांगे हम भगवान के लिए नहीं दिए, जिस पत्नियों का जनेऊ संस्कार नहीं, अपवित्र रहती है, वेद में अधिकार नहीं, देखो ये लोग जाकर कृष्ण दर्शन भोजन करके आए, इसलिए अपना जीवन को धिकार दे रहे थे, वेद पुराण पढ़ना पर जीवन बेकार। सचमुच से वो जो वापस आए ना उनके चरण की पूजा की, बोले तुम लोग धन्य हो गई हो, भगवान को दर्शन किया और तुम्हें दर्शन करके हम भी धन्य हो रहे। हाँ इसका मतलब है जहाँ पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, उसको सब कृपा कहते हैं जिसको पर में ठाकुर जी की कृपा हो जाए। इसलिए यहाँ पर गुरुदेव सब चीज को उदाहरण देते हैं, यहाँ पर बताए जब उन्होंने ये श्लोक को बोले ना तो महाप्रभु अभी तक करे तो बाहर बाहर बाहर, लेकिन ये श्लोक सुनते खुश हो गए, यहीं से उन्होंने हाय हाय मतलब होना है अभी तुम लाइन में आ गए, बल्कि क्यों लाइन में आ गए, उसमें दो तीन चीजें है, बता सकते दो तीन चीज क्या है। पहला नंबर है यहाँ पर बताए, पहले तक ज्ञान सुनिया, ज्ञान को उन्होंने बात दे दिया ये ब्रह्म ज्ञान, दूसरी चीज ये साधु संघ की महिमा यहाँ पर बताया, क्योंकि जब तक कोई साधु संघ नहीं करता है ना तो भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परि जायते, भक्ति कहाँ मिलती है, बल भक्तों की कृपा से ही भक्ति मिलती है और भक्ति के द्वारा ही भगवान प्रसन्न होते हैं और किसी को द्वारा भगवान प्रसन्न नहीं होते है, इसमें साधु संघ की महिमा और उसमें भक्ति की महिमा यहाँ पर बताई गई, इसलिए महाप्रभु प्रसन्न होकर के बोले अभी तुम लाइन में आ गए हो, अभी सही तुम लाइन में आ गए हो। तो गुरुदेव ने यहाँ पर दो तीन श्लोकों को यहाँ पर गुरुदेव कोटेशन करते हैं, बोले तस्मिन् महान् मुखरितम् मधुविश्चरितम्, यहाँ पर उद्धृत करते हैं जीव को भगवत भक्ति मिलेगी कैसे, बोले तस्मिन् महान् मुखरितम् मधुविश्चरितम्, बोले भक्तों को मुखार बिंद से कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की जो नदी बह रही है, अगर हम उसी नदी में हर समय गोता लगाते रहेंगे, तथा भी गंगा में अगर हम गोता लगाते रहेंगे तो क्या होगा, बोले तार न पिबंती निपगाड़ कर नहीं स्थान न स्पृशंती, अगर काम को कैसे बनाया, देखो धुआं जैसे, जैसे हम कोई जूस पीते हैं ना, कैसे पीते धुआं में लेकर पीते ना, ये काम को देखो कैसे बनाया, ये धुआं जैसे बनाया, कहते जो ये तार रूपी धुआं में कृष्ण कथा रूपी रस को जो भर भर करके जो पीते हैं तो उसको क्या होता है, बोले तान न स्पृशंती, उसको स्पर्श नहीं कर सकता है, बोले क्या नहीं स्पर्श कर सकता है, बोले उसको तस शोक मोह भय अपार, बोले तीन चीज उसको स्पर्श नहीं कर सकता, उसको शोक, उसको शोक उसको स्पर्श नहीं कर सकता है, मोह उसको मोह स्पर्श नहीं कर सकता है और उसको भय भय भी उसको स्पर्श नहीं कर सकता है, इसलिए जिसको भगवान कपिल देव अपना माँ को कहते हैं, क्या कहते हैं, अप वर्ग वर्तमनी, अगर माँ तू मेरे भक्तों को संगत में मेरी कथा अगर सुनोगे ना, श्रद्धा रति भक्ति बढ़ते रहेगी और एक दिन क्या होगा, अप वर्ग वर्तमनी, प वर्ग मतलब प फ ब भ म, जो पांच वस्तु खत्म हो जाएगा, प मतलब परिश्रम, फ कभी कभी हम संसार में इतने परिश्रम करते हैं मुंह से झाग निकल जाते हैं, फेर निकल जाते हैं, फ बोले ब, ब मतलब व्यर्थता, भ मतलब भय और म मतलब मृत्यु, अगर माँ मेरी भक्तों का तुम संग करोगे कथा सुनोगे ये संसार चक्र से सारे दुख कष्ट से तुम निकलते हुए मेरे
चरणों को प्राप्त कर सकते हो। उपाय क्या है? केवल कथा, और कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए भागवत में कथा को अलग अलग नाम दिया है। भागवत कथा को एक जगह पर कथा दिया आसव, आसव मतलब था शराब। कथा को उदाहरण दिया, कथा कैसे शराब है, शराब को साथ में जगत का जो शराब है रात को पियो सवेर नशा उतरा है। लेकिन भगवत कथा भी जो शराब है वो नशा कभी उतरती है और नशा बैठती है। और एक उदाहरण दिया है, अगर पिता अगर शराब पीता है ना, आप देखना कभी भी बच्चे को बोलेगा नहीं तू शराब पी, कभी बोलेगा? कोई पिता कभी बच्चे को बोलता है? भले ही अपना पी लिया बर्बाद हो गया, लेकिन हर समय बेटे को बेटा तू कभी बर्बाद नहीं करना, कभी शराब नहीं पीना, हर समय मना करता है। लेकिन भागवत कथा भी अगर नशा शराब कोई पी लिया ना, बेटे को जरूर बोलेगा बेटा तू भी एक बार पी करके देख, तू भी एक बार पी करके देख इसमें कितना आनंद है। अपना पत्नी को भी बोलेगा पत्नी पी करके देख इसमें कितना रस है। अगर हैं अगर पत्नी पी लिया ना, अपना पति को भी बोलेगा आप भी एक बार जाओ पी करके आओ कितना रस देखो है। इसलिए जो एक बार पी लेगा ना वो हर समय दूसरों को बोलेगा तू भी वो पी करके देख इसमें कितने आनंद। अगर कोई पिएगा नहीं ना फिर पकड़ से पैसा निकाल के पिलाएगा। इसी जगत में जैसे होता है ना एक बार उसको चस्का लगाने के लिए, लेकिन उसी तरह कहते भक्त लोग भी क्या करते हैं, जब हम लोगों को वृंदावन से बुलाए इंडिया से बुलाए लेकिन खुद तो पिए और दूसरों को भी बोलते हैं आओ भैया कर पी करके देखो उसमें कितने आनंद, उसको पी कर तो देखो तो सही इसमें कितने रस है। इसलिए भागवत में श्री सुत गोस्वामी और एक उदाहरण दिया, बोले काल व्यालम मुस्कासम त्रास भिन्न सहतव। हमने और एक उदाहरण दिया कि जो काल नहीं ये व्याल, व्याल मतलब सर्प है, ये काल भी जो व्याल है ये हम जीव को ये खा रहा है, जीव को ग्रास कर रहा है। इसलिए काल को व्याल को साथ में उदाहरण दिया। लेकिन और एक उदाहरण दिया अपने नेवला को, देखे हो नेवला बोलते हैं ना, क्या बोलते हो मनगुज को बोलते हो हाँ। आप देखना सांप और नेवला में कभी आप देखना लड़ाई, दोनों अगर मिल गए ना देखना कितना लड़ाई होता है। लेकिन अगर ये सांप अगर नेवला को कभी काट दिया ना, ये नेवला को एक दवा पता है, आप देखना छठ वो जा करके वो फिर दवा खा कर जाएगा। अगर सांप उसको काट दिया ना फिर वो सांप को बोले एक्सक्यूज मी, बोले एक्सक्यूज मी अभी मैं आता हूँ, उसको पता ही कौन सा दवा खानी चाहिए। वो जंगल में घट जाता है वो दवा को छठ खा लेता है, खा करके फिर ताकत आ जाता है। हाँ जैसे सांप अगर काट दे मर जाता है, लेकिन नेवला नहीं मरता है, वो दवा खा कर दर फिर आएगा फिर लड़ाई करेगा उसको साथ। अगर फिर काट देगा ना बोले एक्सक्यूज मी फिर वो भागेगा, भागते हुए आप देखे होंगे कभी नेवला को भागता है फिर भाग करके ना फिर वो दवा खा लेता है, फिर ताकत पाकर फिर आएगा, फिर लड़ते 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 ना लास्ट में वो सांप को नाश कर देता है, सांप को मार देता है। यहाँ पर श्री सुत गोस्वामी कहते काल व्यालम, कहते जो काल जो काल है ये व्याल है, ये एक सर्प है, ये जीव को ग्रास कर रहे हैं। लेकिन अगर इससे बचना तो क्या करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? भगवान की कथा रूपी अमृत को पान करो, यही दवा है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं निप्रित तस्यै रूपगीय मानात भव औषध छत्र मनोविरामात। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कथा नहीं बोले भव औषध, मतलब संसार भी समुद्र से पार होना चाहते हो दुख कष्ट से केवल एक ही दवा है भगवान की कथा। भगवान की कथा ही एक दवा है। ये कथा में इतने रस, कथा में इतने आनंद है, कहते निवृत तस्यै रूप गीयमानात, जो संपूर्ण संसार से मुक्त हो गए जैसे सुखदेव गोस्वामी चतुसर, कहते वो भी सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्म ज्ञानी थे लेकिन एक कृष्ण कथा की श्लोक सुन लिया ना, एक श्लोक सुने तो पागल हो गए, उनने पागल हो गए सारे ब्रह्म ज्ञान को त्याग दे दिया और भागते भागते आए और पूरी भागवत कथा रस में उन्होंने गोता लगाया है। इसलिए गोता लगाए ऐसे भगवान की कथा रूपी अमृत। इसलिए कहते हैं तान न स्पर्श, इसको स्पर्श नहीं कर सकता है, शोक भय और मोह उसको कभी स्पर्श नहीं कर सकता है। किसको? जो भगवान की कथा रूपी अमृत में
जो गोता लगाते रहते हैं, जब उन्हें हाँ कल हम लोग ने इसी विषय पर बहुत कथा हम लोग ने श्रवण किया था। यहाँ पर और एक श्लोक को यहाँ पर उद्धृत करते हैं राय रामानंद, बोले कृष्णा रस भाविता मति क्रियता मुकुत अपि यदि लभ्यते तत्र लौल्यमेकलं कोटि सुकृति अपि न लभ्यते। हाँ सुरभाग बोलता है श्लोक का, रस भाविता मति, हाँ जोर से बोलो जोर से, कृष्णा भक्ति रस भाविता मति क्रियते भी उसको भी लभ्यते तत्र लौल्यं विमलमेकलं जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। In this verse, Ramananda Rai is quoting this verse to Mahaprabhu. Krishna bhakti rasa bhavita mati kete iti kuto labhi labhyate. I say one person whose mati is completely absorbed in Krishna bhakti ras. So what should you do? Kete iti kuto labhyate tata lola maki mura janma koti shukriti na labhyate. This Krishna, to get this Krishna prem, how can we get this? This is only done by one. If one can get the association, there's only one way to get this. Even if you do millions of life of Shukriti by doing bhakti, you cannot get this bhakti ras. Only if you associate with one with who is totally absorbed, Krishna bhakti rasa bhavita mati, whose mati is completely absorbed in this Krishna bhakti ras, then one can get this. And what price? Yet, Lola, the only price for this is greed. There is no other price. Even if you give up everything, but have this greed to get this prem and to associate with this person who is completely absorbed in Krishna Bhakti Ras. And इसी श्लोक में साधु संत की महिमा इसी श्लोक में बताया। साधु संत की कितना महिमा साधु संत, बड़े साधु संघ की महिमा, बड़ी साधु संघ की महिमा है। कहते साधु संघ के द्वारा हम जो कुछ प्राप्त कर सकते हैं, कहते भक्ति मिलती है कैसे, बल पूर्व जन्म का सुकृति से, पूर्व पूर्व जन्म में हमने जो सुकृति किया उसकी कृपा से ही भक्ति और भक्तों का संघ मिलता है। लेकिन यहाँ पर कहते अगर सचमुच से आपको ऐसे एक संत मिल जाए, कैसे संत मिल जाए जो संपूर्ण कृष्ण भक्ति रस में शराब भरा हुआ। गुरुदेव उदाहरण देते जैसे रूही है, अब रूई को अगर पानी में डुबा होगा तो क्या होगा, उसका कण कण में पानी समा जाती है। रसगुल्ला खाए हो, कौन सा रसगुल्ला खाए हो, जैसे रसगुल्ला को जैसे किसी का सिराप डुबोते है ना, उसका कण कण में क्या हो जाता है, रस उसकी कण कण में उसकी रस चली जाती है। अगर अब की भाग्य से ऐसे कोई संत अगर आपको मिल गया ना, ऐसे कोई संत आपको मिल गया, ये संत संघ का इतने महत्व है, साधु संघ की मतलब कोटि सुकृति अपने लभ्यते, मतलब करोड़ों करोड़ों जन्म की सुकृति के द्वारा जो चीज को आप प्राप्त नहीं कर सकते हो वो प्राप्त करते हो एक शुद्ध भक्त के अगर समझो। अगर केवल साधु संघ आकर अगर सही सही साधु मिल गए ना, तो जीवन तुम्हारी धन्य हो जाए। इसलिए साधु संघ की बड़ी महिमा ये श्लोक में बताए। कहते ये श्लोक को सुन करके महाप्रभु बहुत प्रसन्न, बहुत खुश हो गए, हो करके महाप्रभु बोलिए हाय, मतलब है अभी लाइव में तुम आ गए क्योंकि तुमने साधु संघ की महिमा बताए, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना हो है। इसलिए हनुमान का नाम जानते हो, कौन कौन जानते हो हनुमान, सब जानते हो। देखो जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करना चाह रहा था, कितने में हनुमान देखा लड़के नहीं खड़ी है, बोले स्त्रियों से लड़ झगड़ कर क्या लाभ है, अपना काम निकाल लेना बुद्धिमान की काम। इसलिए हनुमान जी वो छोटे सूक्ष्म रूप धारण करके अंदर में घुसना चाह रहा था, इतने में लंकनी की नजर पे, बोले तू कौन हो, मेरे नजर बचा करके अंदर में जाना चाहते हो, मेरे नजर बचा करके कोई नहीं जा सकते है। हनुमान जी ने देखा, सोच रहा था भैया काम निकाल लो, ये तो घुसने नहीं दे रहा। इतने में हनुमान जी विशाल रूप से धारण किया और मारे एक मुक्का में उसको छक्का छुड़ा दिए। हैं देखो संतों की कितना कृपा है, मारा तो मुक्का उसको मुंह से खून का उल्टी तो होने लग गई, लेकिन किसका स्पर्श मिला, केवल साधु का स्पर्श पाते ही उसका बुद्धि बदल गई,
वो लक्ष्मी कह रही है साधु संत की महिमा, कहते हैं तात स्वर्ग अब वर्ग सुख धरिए तुला एक अंग। वो साधु संत की महिमा कहती है कि तराजू ले लो, एक तराजू का एक तरफ में स्वर्ग का जो सुख है, मोह जन तप सत्य यहाँ तक भी मुक्ति लोक तक का जो सुख है तराजू का एक तरफ में धर दो और दूसरे तरफ में क्या धरो, साधु संघ की एक लव। एक लव मतलब एक सेकंड को 11 भाग कर लो, 11 भाग का एकवा भाग का फल को तराजू का दूसरे तरफ में रख लो। बोले इस साधु संघ की इतने महिमा है, ये सारे सुख को मिला करके भी उसका बराबर नहीं कर सकते वो साधु संघ की इतने महिमा। ये स्वयं लक्ष्मी ये बात कह रहे हैं, इतने साधु संघ की महिमा। इसलिए यहाँ पर साधु संघ की महिमा सुनकर के उन्होंने बड़े प्रसन्न हो गए, हाँ अब साधु संघ में आ गए। लेकिन साधु संघ में तो आ गए हो, लेकिन भक्ति की भी अलग अलग ग्रेड होता है, उसकी भी अलग अलग सोपान होता है। इसलिए बोले इसका आगे और कुछ बात बताओ। जब उन्होंने बात बताई तब उसका उत्तर देते हैं, राय कहे दास प्रेम सर्वसाध्य सार। कहते भगवान को प्रभु मान करके, अपने आप को भगवान का सेवक मान करके जो भगवान की भक्ति करते हैं, यह सर्वश्रेष्ठ भक्ति, इससे बड़ा भक्ति जगत में कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने एक श्लोक को उद्धृत किया है, बोले जन्नाम श्रुति मात्र न पुमान भवति निर्बल। कहते भगवान का अगर कोई नाम एक बार सुन लेना, कहते ना नमो अपवित्र पवित्र वा, उस बात में बोलो सर्वावस्था गतो विवा जस मरेत पुंडरीक अख्यम सर्वायन अभ्यर्थ। भगवान के नाम लेते ही बाहर भीतर हम पवित्र होते हैं। जब नाम श्रुति मात्र न पुमान भवति निर्मल, बोले जिनका एक बार नाम केवल कर्ण में प्रवेश करते ही व्यक्ति निर्मल हो जाते हैं। भैया उनका अगर कोई सेवक बन जाएगा, जगत में कोई बाकी रहेगा कुछ बन जाएगा, सब कुछ मिल जाते हैं। इसलिए उदाहरण गुरुदेव देते श्री हनुमान जी, तुम जानते कि नहीं हनुमान जी को, तो जानते हो हनुमान जी को। इसलिए सुमिरी पवन सुत पावन नामो आप न बस करे राखे राम। भगवान को जो बसीभूत कर दिया, इसलिए एक भजन गाते है ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, भक्ति मिले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। कभी श्री हनुमान जी हर तरह से अगर भगवान कहीं बैठे हुए होते ना, कभी ठाकुर जी बैठे हुए हो, तो हनुमान अपना पूछ से बड़े सुंदर चंद्रता बना देते ठाकुर के सर के ऊपर में, हाँ सर के ऊपर में। इसलिए अगर कहीं भगवान को कहीं जाना हो, कोई रथ की जरूरत नहीं, हनुमान जी क्या करते हैं, राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठा करके घोड़ के ले चलते हैं, कंधे पर लेकर बैठे। अगर किसको दूत रूप में भेजना है, हाँ दूत रूप में किसको उन्होंने भेजा, श्री हनुमान जी को लंका में भेजा, और हनुमान जी सारे काम पकड़ के बढ़िया से अपना काम करके, और राम प्रभु की बलवान क्या ताकत है, पूरा सोने की लटका में आग लगा करके उन्होंने उधर से वापस आ गए, वापस आ गए। इसलिए कहते हनुमान जी भगवान की दास्य रस का भक्त श्री हनुमान जी। इसलिए गुरुदेव बड़े सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं, गुरुदेव कथा सुनाते हैं। एक समय माता सीता जी अपना भवन में श्रृंगार भवन में श्रृंगार कर रहे थे, हनुमान तो सीता जी को अपना माँ समझती है, अंदर में चले गए और मैया सीता क्या कर दी, यहाँ पर सिंदूर और यहाँ पर मांग भर रहे, हनुमान ऐसे ऐसे देख रहे तो क्या देख रहे हो, बोले माता जी क्या ये यहाँ पर सिंदूर भी दिया लाइट, बोले बेटा ये सुहाग का चिन्ह है, बोले माँ सुहाग क्या होता है, बोले माता है पति की सुहाग के लिए, पति का दीर्घायु हो, जगत में उसका जस हो, हमारे सामने कभी पति मरे नहीं, अमर रहे, हर दुनिया में उनके मंगल हो, इसलिए माताएं ये सिंदूर बिंद और सुहाग का चिन्ह धारण करते हैं। हनुमान कुछ बोले नहीं, घर से निकल गए, और माता जी जब श्रृंगार करते हुए चली गई ना, हनुमान जी अंदर में गए और जितना सिंदूर सब लेकर के पूरा शरीर पर पोत दिया, सारा शरीर पोत दिया, पोत करके
राम दरबार लगे हुआ सारे अयोध्या के लोग बैठे हुए और हनुमान जी वहां पहुंच गए ऐसे ऐसे करते सारा दुनिया बोले देखो ये बंदर ने किया क्या ये बंदर ने किया क्या सारा शरीर सिंदूर सिंदूर भगवान राम को तो सब पता बोले राम हनुमान की महिमा को दिखाना चाहते थे राम ने पूछा हनुमान जी तो सारा शरीर में ये सिंदूर क्यों लगाया बोले प्रभु जी मैंने माता जी को पूछा ये सिंदूर क्यों लगा रहे हो बोले ये सुहाग के लिए अगर एक बूंद और एक लाइन सिंदूर अगर लगाने पर कहते उनकी प्रभु राम के दीर्घायु जगत में जस हो आप तो मेरे प्रभु है ना मैंने सोचा अगर मैं सारा शरीर में अगर इस सिंदूर का पोत दू मेरे मेरे प्रभु राम सब समय के लिए दीर्घायु जगत में की जस सारा दुनिया में पड़ेगा इसको सुन करके अयोध्या वासी और राम भगवान प्रेम में गदगद हो गए प्रेम में गदगद हो गए हैं इसलिए एक समय एक जिस समय माता सीता को उधार करके लाए अभी मैया सीता हनुमान जी को बुला बोले हनुमान अगर तू नहीं होता है ना मेरे को कोई भी सात समुद्र को पार करा के यहाँ नहीं ला सकता था तेरी वजह से मैं आया हूँ तेरे पर बहुत प्रसन्न हूँ सब कुछ मैंने कुछ कुछ उपहार दिया है लेकिन मैं चाहता हूँ सबसे कीमती चीज तेरे को दू तो उन्होंने गले की गजमती हार को निकाल करके उन्होंने दे दिया और हनुमान एक मोती को लेकर के दांत में काट काट कर देख रहा था फेंक रहा था फेंक रहा मैया सीता को तो बड़ा क्रोध आया मतलब बंदर का आदर का स्थान क्या पता है तेरे को इतने कीमती चीज दिया तू दांत में काट कर फेंक क्यों रहे हो मतलब माता जी मैं देख रहा हूँ इसमें मेरे प्रभु का कोई चिन्ह है कि नहीं इसमें मेरे प्रभु का कोई छवि नहीं हनुमान उसको धारण भी करता है मतलब बात तो बड़े बड़े करते हो तेरे शरीर में क्या है फेंक दो शरीर को मतलब आप देखना चाहते हो बोले क्या दिखाओ उन्हें अपना छाती को फाड़ करके दिखा दिया सच मुझसे देखा उनके हृदय में सीताराम की विश्राम है इसलिए यहाँ पर उदाहरण देते हैं जो भगवान की सेवक बन जाते हैं भगवान का दास बन जाते हैं इससे बड़ा दुनिया में जगत में कुछ है नहीं देखो दास बन करके देखो दुनिया में हनुमान की जय जयकार होता है घर घर में उनकी पूजा हो रही है घर घर में उनकी पूजा हो रही है इसलिए इसको सुन करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोले बढ़िया तुमने उदाहरण दिया है तुमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है अगर उसको ऊपर में कुछ है ना इसको ऊपर की बात तुम बताओ जब ये बात बताए उन्होंने बताए सख्य रस भगवान की जो सखा बन जाना कद ये सर्वसाख्य सार ये सबसे बड़े प्रेम है अगर कोई भगवान की सखा बन जाए तो उन्होंने उदाहरण सखा के लिए उन्होंने उदाहरण देते हैं कद इथम सतांग ब्रह्म सुखान भूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेना मायाश्रितानाम नरदार्थेना श्राद्धं विजहु कृतपुण्य पूजा तब उन्होंने उदाहरण देते हैं ब्रज के जो सखा लोग हैं भगवान के सखा भी अलग अलग तरह के सखा है जैसे अयोध्या में भी राम का सखा है द्वारका में भी कृष्ण का सखा है अयोध्या में जैसे राम की सखा है अयोध्या में लेकिन होने पर भी सख्य रस का जो पूर्ण प्रकाश है वो अयोध्या में वो अयोध्या में नहीं है जैसे राम जब राम दरबार लगता है वहां पर विभीषण सुग्रीव भी भगवान की सखा है हैं वहां पर गोह का चंडाल भी सखा है आप देखना भगवान राम जिस आसन पर भगवान राम बैठते हैं वो एक ही आसन पर वो नहीं बैठेंगे वो जब जब बैठेंगे वो अलग आसन पर कहीं बैठेंगे विभीषण अलग आसन पर बैठेगा सुग्रीव अलग आसन पर बैठेगा एक साथ में नहीं बैठ सकते हैं एक साथ अगर कभी कभी उल्टा पुल्टा करे ना भगवान कभी शासन ही कर देते जैसे सुग्रीव बंदर भगवान बाली को मारे राज्य दिलाया लेकिन चातुर्मास बीतने के बाद बोले करेंगे लेकिन कुछ किया ही लक्ष्मण तो भेजे लक्ष्मण ऐसे शासन किया बोले राम का अभी भी वो बाण अभी त्रुणी में है वो बाण अभी खत्म नहीं हुआ जिस बाण से बाली जैसे व्यक्ति को एक बाण से समाप्त कर दिया भगवान तुम्हारे राज्य और तुम्हारी पत्नी वापस दे दिया और तो बंदर जाति में ना हम कहते तुम बंदर हो कामी और तुमने अपना पत्नियों को लेकर मस्त हो गया प्रभु की दुख अभी प्रभु बैठ कर दुखी दुख पा रहे तो यहाँ पर मस्त हो गया इसलिए अगर कभी उल्टा पुल्टा करे ना कभी कभी शासन भी कर लेते हैं है? इनको शासन कर लेते हैं और कहते उनका सखा कौन हुए जैसे अर्जुन हुए अर्जुन भी हुए कृष्ण का सखा है लेकिन वो जो द्वारका की सखा है इसलिए पहले तो सखा सखा बोले लेकिन जब
भगवान ने विराट रूप दिखाया, विश्व ब्रह्मांड अर्जुन कांप उठे, बोले प्रभु मेरे अपराध माफ कर देना, पहले आपको मैंने जो सखा बोल करके एक साथ में खाए सोए, हे प्रभु दुनिया के मालिक आप हो, थर थर कांपने लगे, क्या तुम वहां पर सख्य रस है, लेकिन जब उनके ऐश्वर्य को देखते है ना, वो सख्य रस नीचे उतर आता है, लेकिन ब्रज में जो सखा है वह पूर्ण सही सखा है, सही सखा है। आपका कोई दोस्त कोई बने हो आप लोगों का, कोई दोस्त बने जिंदगी में तो दोस्त कभी हुई नहीं, जैसे कि स्वाभाविक रूप में एक दोस्त का प्रति प्रेम है वो कहां पर है, कभी श्री वृंदावन में, अगर कृष्ण कहीं कृष्ण सो रहे हैं, अभी सखाओं को गैया चराने के लिए जाना, अभी कृष्ण थोड़ी देर लेट हो गया उठने के लिए, सारे सखा लोग कृष्ण घर जाते हैं, मैया को बोलते हैं कन्हैया अभी कन्हैया कहाँ है, बोले अभी भी उठा नहीं सोया, बोले अभी भी सोया पड़ा हुआ, मैया कहती है उनको जगाना नहीं, अभी रात को देर में सोया, इतने में बोलने से पहले ही पलंग के ऊपर सारा सखा चढ़ जाते हैं, बोले कन्हैया अभी तो सो रहा है, अरे आज गैया चराने के लिए बड़े दूर तक माठ बन जाएंगे ना, अभी तो सो रहा है, उसको हिला हिला कर गैया उठा दे, उठ अभी भी सो रहा है। अगर किसी आसन पर कृष्ण बैठे हैं सखा लोग सारे तो अकेले बैठे हुए, उसको पास में जाकर बैठ जाए, अगर कहीं जंगल में सखा को पहले कोई फल मिल गया, बड़ा मीठा, बोले कन्हैया फल बड़ा मीठा है, कन्हैया कहते तो अकेले खाओगे हम मोहे नहीं दोगे, कृष्ण झपट कर उसका झूठन को खाते। अगर कभी खेलते खेलते अगर कभी श्रीधर भाई हार गए, कृष्ण उसको घोड़ा बना देते, अगर कृष्ण कभी हार गए तो बोले कन्हैया घोड़ा पर, कृष्ण कहते तुम्हें घोड़ा नहीं बनूंगा, बोले घर घोड़ा नहीं बनोगे, तेरे बारी आए तो हमारे कंधे पर बैठेगे आप, अब तुम्हारी बारी आए तो कंधे पर नहीं बैठोगे, बोले सखा कृष्ण को साथ में कोई बात मत करना, इसको अलग कर दो, जब अलग अलग चले जाओ, इससे कोई बात नहीं करना, कृष्ण कहते नहीं ऐसे मत क्या करो, मेरे को अलग मत किया, मैं घोड़ा बन जाऊंगा, बैठ जाकर बोले मात बन से उसको भांडे बैठ कर घोड़े बना करके भगवान को बैठा कर ले जाते हैं। हाँ कहते ये जो सखा है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं एकम सतम ब्रह्म सुखानुभूत्या, वो एक ही ब्रह्म है और एक ही ब्रह्म को इथम सतम ब्रह्म सुखानुभूत्या, जिसको ज्ञानी लोग उनको किस रूप में दर्शन करते हैं, बोले ब्रह्म रूप में, उनको ब्रह्म रूप में उनका दर्शन करते हैं, कि दास्य गतानाम परदैवतेन, लेकिन जो दास्य रस के भक्त हैं उनको किस रूप में दर्शन करते हैं, बोले परम देवता भगवान रूप में दर्शन करते हैं। कहते माया श्रितानाम, जो माया के जो मोहित हुए व्यक्ति उनको किस रूप में, कहते उनको साधारण इंसान रूप में दर्शन करते हैं, बोले साधारण विजय कृत पुण्य पूजा, कहते सखा लोग ने इसे कौन सा पुण्य किया है, पूर्व जन्म में इसे कौन सा भाग्य किया है, जिस ब्रह्म को ब्रह्मा शंभू अमरपति गणेशार की तब, जिन चरण को ब्रह्मा शंकर अमरपति इंद्र चंद्र जिसके चरण को पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी के चरण को गोद में लेकर बैठती हैं, ये सखा में ऐसे पूर्व जन्म में क्या पुण्य किया है इन लोगों ने, वो परम ब्रह्म को अपना सखा रूप में प्राप्त किया है, इसलिए ब्रह्मा भी यही बात कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज उपसाम जन्मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म संसार, ब्रह्मा जी कहते हैं अहो भाग्यम अहो, ये दो बार यहाँ अहो, अहो मतलब क्या, जैसे कोई आश्चर्य चीज देखते हैं ना, हम कहते हैं क्या आश्चर्य है, क्या आश्चर्य बोलते हैं ना, इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया देखो ये ब्रजवासियों ने इसे कौन सा पुण्य किया है, ऐसे कौन सा पुण्य किया पूर्व जन्म में, जो पूर्ण जो ब्रह्म जो सनातन है, किसकी सखा बन गए, किसका बेटे बन गए, किसकी प्रियतम बन गए, इन्होंने ऐसे क्या पुण्य किया है। जब ये बात को बोले ना, महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए, और महाप्रभु यहीं से उन्होंने उत्तम बताया, ब्रज में यद्यपि दास्य रस सब में है, सख्य रस है, लेकिन होने पर भी विशेष करके ब्रज में तीन रस की विशेष प्रसिद्ध है, एक वहां पर है सख्य रस है, भगवान को सब दोस्त मानते, कोई भगवान में नहीं मानते, और एक वात्सल्य रस है, भगवान को अपना बेटा मानते हैं, अरे गोपियां अपना प्रियतम मानती, जो तीन रस ब्रज में सर्वश्रेष्ठ है। जब उन्होंने ये बात को बताया ना, बोले तुमने जो बात बताई है उत्तम, बहुत सर्वश्रेष्ठ तुमने उत्तम बात बताया है, टाइम हो गया ना, हाँ ठीक है, देखो हरि नाम एक कथा सुन लेते, एक माला कर लेते, हाँ देखो अभी तो आप लोगों ने बहुत रस पिए हो,
केवल ज्यादा अगर ज्यादा अगर रस पी लोगे ना तो पेट खराब हो जाता है, लेनी चाहिए तो क्या होता है वो रस ठीक सही हो जाता है, अगर ज्यादा मीठा मीठा हो जाएगा तो गड़बड़ी है ना। हाँ देखो जो कलयुग युग में विशेष करके भगवान का नाम ही कलयुग में सर्वश्रेष्ठ है, भगवत प्राप्ति की और कोई उपाय नहीं कलयुग में, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधार और सुमेरी सुंदरी नर उत्तर का। कलयुग में भगवान का नाम को आश्रय ग्रहण करने पर आप लोग तो भारतीय लोग है, आप देखना भले जीवन में जो कुछ करो लेकिन जब शरीर छूटता है अंतिम में यही बोलेंगे राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोले कहते हैं सब कोई बात उठा, ये बोलते ना भले कहते बेटा जितने प्रभु का नाम लिया हूँ राम का नाम कृष्ण का नाम अभी तेरे साथ में वही जा रहे हैं और सब जो कुछ किया है यही कुछ छपड़ कर जा रहे हैं, पत्नी रो रो कर दरबार तक चलेगी उसका आगे नहीं चलेगी, परिवार वाले शमशान तक चलेगी उसका आगे नहीं चलेगी, उसका आगे क्या चलेगी बोले पायो जी मैंने राम रतन पायो, जितने प्रभु का नाम जब करेंगे यही साथ में ही जाएगी और कोई चीज हम साथ में जाले वाले हैं, इसलिए धनी बनना तो किस चीज में धनी बनो भगवान के नाम रूपी धन में धनी बनो, इसलिए मीरा कहती हैं ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं फिरा हूं गली गली, और जिन जिन ने यह मोती लूटे उसको माला माल हुए बोले कौन कौन बोले तुलसी मीरा और नरसिका, बोले अगर धनी बनना चाहते हो किस चीज की धनी धन में बनो भगवान के नाम और भी धन को लूटो है इसी धन में धनी बनो फिर तो माला माल हो जाओगे, इसलिए देखो दुनिया में हनुमान का नाम शंकर जी का नाम देवी का नाम गणेश जी का नाम तुलसीदास मीरा इनका नाम जगत में क्यों हो रहा है, हमारे मैया की मैया की मैया को कोई पूछते हैं ना, हमारे पिताजी के पिताजी का पिताजी का दुनिया में नाम लेता है क्यों नहीं लेता है, क्योंकि इन लोगों ने केवल दुनिया के पैसा को कमाते कमाते चले गए, लेकिन इनका नाम क्यों ले रहे हैं इन लोगों ने भगवान के नाम और की धन में धनी बने इसलिए जगत में उनकी पूजा हो रही, इसलिए कहती है तुलसी मीरा और नरसिका इन लोगों ने बड़े बड़े धनी बन गए, इसलिए धनी बनना तो भगवान के नाम और भी धन को इकट्ठे करो और यही धनी अंतिम समय में हमारे पूरा के पूरा यही धन हमारी काम में आएगी है काम में आएगी, इसलिए धनी बनो, इसलिए भागवत में एक श्लोक बोले बोले नाम चिंता मणि कृष्ण। हाँ ध्यान देकर सुनो कहते भगवान का जो नाम को चिंतामणि बताया, क्या बताया चिंतामणि, चिंतामणि मतलब क्या होता है चिंतामणि मतलब होता है जो मांगो वही मिलेगा, इसलिए संतों ने एक सुंदर उदाहरण दिया पहले भी बताया और एक बार सुना देता हूँ अब ध्यान देकर सुनो, एक उदाहरण देकर समझाया, अब रास्ता में जा रहे हो आपके पास में खाली थली है झोली है अब रास्ता पर जा रहे हो, लेकिन आप लोगों ने देखा रास्ता में 50-50 रुपया के डॉलर गड्डी के गड्डी पड़ा हुआ जिसका कोई मालिक नहीं, कोई मालिक नहीं रास्ता रोड में पड़ा हुआ 50-50 डॉलर की गड्डी के गड्डी आपको पास में लेकर थाली, आप बताओ क्या करोगे थाली भर लेंगे, आप बोलो क्या करोगे उसका कोई मालिक नहीं है किसकी वैसे पड़ा हुआ हम उसको फिर थाली में भरेंगे चोरी तो करेंगे रहेंगे कि उसका कोई मालिक नहीं, लेकिन जब और थोड़ी दूर जाएंगे ना फिर जगह 100-100 रुपया डॉलर की गड्डी की गड्डी पड़ा हुआ फिर क्या करोगे बोलो आप लोग सोचो क्या करोगे थाली भर गया फिर कैसे डालोगे फिर क्या करोगे उसको खाली करोगे, तो 100-100 रुपया की जब डॉलर में तो 50 रुपया की क्या जरूरत है फिर 50 रुपया खाली करके 100 रुपया में भरोगे, लेकिन जब और थोड़ी दूर गएगा देखा हीरे जवाहरात बिखरा हुआ है जिसका कोई मालिक नहीं फिर क्या करो 100 रुपया तुम खाली कर लो, जब हीरे जवाहरात थोड़ी सी ले लो माला ही माल हो जाएगा फिर उसको फेंक करके उसका घर में ये भरोगे, लेकिन और जब थोड़ी दूर गए ना उसको बाद में उससे भी एक कीमती चीज मिला है, हैं उससे भी एक कीमती चीज मिला उसका नाम क्या है बोलो पारस टच स्टोर, हाँ जो टच स्टोर कहते जो पारस में अब सुने होंगे जो लोहे को भी स्पर्श कराने पर वो सोना बन जाते हैं, थोड़ी दूर गए तो आपको पारस पत्थर मिल गया फिर क्या करोगे पारस पत्थर लेकर लोहे और कितना भी करेंगे लाभ और टच करा और सोना ही बनते जाएगा, लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना उससे भी कीमती चीज मिला है चिंता में हाँ
उसको नाम कहते श्यामांतकमणि भागवत की कथा में ये दसवां स्कंध में कहते ये सत्रह जिनका बेटी सत्यभामा इनकी मित्रता थी सूर्य देवता के साथ, उनका सूर्य देवता के साथ मित्रता थी, इसलिए प्रसन्न होकर के वो श्यामांतकमणि उन्होंने सत्रह जी को दिया था। और उसका ये है, इसका फल है रोज एक अष्टभार सुवर्ण, अपने आप जिससे चटाक चटाक सोना अपने आप निकलता है, कितने किलो वजन अपने आप निकलता है, इसलिए भागवत में कथा आती है उसको बड़ा लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ, क्योंकि जहां गया ना उसको उत्पात मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि इतने सोना चटन के चटान अगर निकालेगा तो फिर क्या होगा है, इसलिए जिसको नाम श्यामांतकमणि कहते हैं, फिर अगर श्यामांतकमणि मिल जाए भाई भैया पारस पत्र की जरूरत नहीं, लोहे लाओ टच कराओ फिर तो सोना मिलेगा ना, तो इससे तो अपने आप सोना निकलेगा, फिर श्यामांतकमणि लेगी, लेकिन और थोड़ी दूर गए ना इससे भी कीमती चीज है, इससे भी कीमती चीज क्या है, हरिनाम, जिसका नाम कहते चिंतामणि, ये भागवत उसका संदेश देता है, कहते ये चिंतामणि क्या है, बोले जैसे श्यामांतकमणि अगर आपको आज बढ़िया बढ़िया खाने की इच्छा हम मार्ग नहीं देगा, आपको बढ़िया बढ़िया पहनने का इच्छा वो नहीं देगा, बढ़िया घर में रहने का वो नहीं देगा आपको, वो आपको नहीं देगा, आपको केवल सोना ही देगा कुछ नहीं देगा, लेकिन कहते उससे भी एक कीमती चीज जिसका नाम चिंतामणि, चिंतामणि मतलब होता है जो चिंता करो जो मांगो वही मिलेगा, जो मांगो उससे वही मिलेगा, तो तू चिंतामणि किया, तो भागवत कहता है बोले नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शोध नित्य मुक्त अग्रत्वाद नाम नाम, इस श्लोक में बताया हरि से बड़ा हरि का नाम है, और भगवान का जो नाम है ना चिंता में जो मांगोगे तुमको वही मिलेगा, वही मिलेगा। अभी प्रश्न है भैया हम तो नाम कर रहे जब करते करते माला तो काले में काला हो गया, लेकिन अभी तक तो कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन इसने बताया जैसे करने पर करनी चाहिए अगर आप ठीक वे से करें ना आपको सब कुछ मिलेगा। पहले मैंने बताया था ना शंकर जी दिन भर क्या करते हैं, क्या करते दिन भर कुछ नहीं करते, शंकर जी दिन भर कहते महामंत्र जय जपत महेशा, शंकर केवल प्रभु का नाम जप करते हैं, लेकिन हम जो शंकर जी को मंदिर में जाते हैं बम बम चौकट दबाते हैं भोले बाबा हमें ये दे दो ये दे दो, भैया भाई उनको फैक्ट्री लगाया तो आपको दे रहे फैक्ट्री लगा हुआ, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कल केवल नाम के प्रभाव से दुनिया को सब दे रहे और कुछ नहीं, हनुमान जी जो मांगो रिद्धि सिद्धि क्या कोई फैक्ट्री कैसे देते हैं, कहते नहीं केवल सुमिरी पवन सुत पाव नाम, केवल प्रभु का नाम के प्रभाव से दे रहे, माता जी को पास में जाओ क्या उनको कोई फैक्ट्री देते हैं, आठ हाथ में देखना एक हाथ में माला है भगवान की माला देते हैं, गणेश जी रिद्धि सिद्धि देते हैं कहाँ से, गोस्वामी जी कहते हैं महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, केवल नाम के प्रभाव से सारा दुनिया है ना, तो उनके नाम के बल पर सब कुछ मिलता है, केवल प्रभु के नाम के बल पर कुछ नहीं है, लेकिन जब हम शुद्ध नाम करेंगे, लेकिन इसलिए तीन तरह का नाम बताया, एक अपराध युक्त नाम है और एक नामाभास है और एक नाम शुद्ध नाम है शुद्ध नाम, लेकिन जब हम नाम शुद्ध नाम करें नामा अपराध मतलब किया, नाम भी करते हैं अपराध भी करते हैं, अपराध दस तरह का अपराध बताया गया है, कहते दस तरह का अपराध को त्याग देना पड़ेगा, उसको पास में बोले नामाभास, नामाभास मतलब क्या, जब हृदय में अनर्थ हो है हृदय में अनर्थ हो असत कृष्णा हृदय द्रव्य, ये सब चीज को छोड़ना पड़ेगा, जब सही सही नाम करेंगे फिर तो नाम से जो मांगोगे, जैसे शंकर जी जैसे माता देवी गणेश जी हनुमान जी जैसे शुद्ध नाम कर रहे हैं, वो शुद्ध नाम करने का बल सब कुछ दुनिया को दे रहे हैं, जब हम भगवान के शुद्ध नाम को उच्चारण करेंगे शास्त्र जैसे बताया फिर तो नाम से जो कुछ आप मांगोगे नाम आपको सारी इच्छा को पूरी कर देंगे, इसलिए नाम को चिंतामणि बताया, चिंतामणि बताया, इसलिए गुरुदेव जब माला दिए माला नहीं चिंतामणि हमें दिए, क्या दिया है ये माला को ठीक ठीक से जप करो, ठीक है ना, ये माला को ठीक ठीक से माला को जप करनी चाहिए, जब गुरुदेव माला नहीं दिए भगवान कृष्ण हरि से बड़ा हरि का नाम, इसलिए क्या करनी चाहिए नाम को महाप्रभु कहते नियमित करके नाम को फिक्स नंबर रखो, इतने माला आसानी से जितना बन जाता है, महाप्रभु तो कहते 1,00,000 हरिनाम करो
चैतन्य महाप्रभु कहते एक लाख कितना नाम करने चाहिए एक लाख बोले चौसठी माला करने के लिए हाँ करते हैं जैसे जो चौसठी माला करता है जो कुछ मुझे देता है ना उसका हाथ वो खाना खाते हैं अगर कभी तुम कंसेशन करते अगर चौसठी माला नहीं कर सकते हो भैया कम से कम सोलह माला तो करो चार सोलह माला में एक लाख होता है अगर एक दिन में अगर तू लखपति महाप्रभु बोले ना जो लखपति होगा उसका हाथ में खाना खाएंगे लखपति मतलब जो एक लाख हरिनाम करेगा भैया अगर एक दिन में एक लखपति नहीं बन सकते चार दिन में तो लखपति बनो कम से कम चार दिन में तो लखपति माला तो चार दिन में तो कम से कम एक दिन में सोलह माला से नीचे मत करो स्वामी महाराज कहते हैं छब्बीस घंटा हमारे पास में आधे घंटा सो वो आधे घंटा काम करो वो कहते आठ घंटा भजने जब आधे घंटा प्रभु का नाम जब करो कहते हैं क्योंकि भगवान का नाम जब से इतने सब कुछ मिलेगा अगर आठ घंटा नहीं कर सकते हो हर भगवान के लिए कम से कम दो घंटा दो कम से कम जिसने तुम्हें सब कुछ दिया जिंदगी दिया देखो पहले तो छोटी स्टोरी सुनो ध्यान देंगे बोले क्यों भगवान की भक्ति करनी चाहिए बोले एक समय एक व्यक्ति सुइसाइड करने जा रहा था बोले क्यों बोले मैं सोने में भी हार देता हूँ ना वो सोना भी मिट्टी बन जाती है सोने भी मिट्टी भगवान हमें कुछ ही नहीं दिया प्राण रख कर कोई लाभ नहीं आता मैं सुइसाइड करने जा रहा जब सुइसाइड करने जा रहा था इतने में भगवान ही एक संत बन करके आ गए बोले बेटा कहाँ जा रहे हो बोले सुइसाइड करने के लिए बोले क्यों बोले भगवान मेरे कुछ ही नहीं दिया बोले कुछ ही नहीं दिया बोले क्या दिया सोने में भी हाथ लगाता वो भी मिट्टी हो जाता है बोले भगवान तेरे कुछ ही नहीं दिया बोले दिया क्या बोले बेटा ये काम करोगे बोले क्या है बोले तेरे को मैं $10,00,000 देता हूँ तुम्हें एक आंख निकाल कर दे दूँ बोले आंख कैसे निकाल कर दे दूँ मैं देखूंगा कैसे बोले तुमने बताया ना भगवान तेरे कुछ नहीं दिया तो $10,00,000 में भी तुम्हें एक आंख देने के लिए तैयार नहीं भगवान कितने कितने सोच करके तुम ये जीवन किया भगवान तेरे को एक आंख दे सकते थे लेकिन दो दो आंखें दिए बोले क्यों अगर किसी कारण से एक आंख नष्ट हो गया दूसरे आंख से दे सकते कितने भगवान सोच करते थे तो $10,00,000 देता हूँ हाथ काट कर दे दोगे बोले हाथ कैसे काटता हूँ फिर काम कैसे करता हूँ भगवान ने कितने चिंता करके दिया एक हाथ नहीं दिया भगवान तुमको दो हाथ बोले क्यों किसी कारण से एक हाथ खराब हो गया दो हाथ काम कर सकते हो बोले $10,00,000 से टांग काट कर दे सकते हो बोले चलूंगा कैसे चलूंगा कैसे बोले भगवान तुमने एक टांग नहीं दो टांग दिए दस दस लाख का हिसाब बनाओ कितना हो रहा है हिसाब कर कितना हो रहा है बोले एक कितने दे दोगे $10,00,000 $10,00,000 में बोले फिर जिंदा कैसे रहूंगा बोले भगवान कितने कितने तरह को दिए बोले दो दो दिए एक दे सकते दो दो तुम जो दिए हिसाब लगाओ कितना हो रहा है बोले काम काट कर दे दोगे $5,00,000 में दे दोगे बोले कैसे दे दो सुनूंगा कैसे बोले अभी हिसाब लगाओ तो एक अंगुल काट कर दे दोगे बोले कैसे अगर हिसाब लगाओगे ना अरब खरब रुपया की भगवान संपत्ति तुमको दी है अब तू कह रहे हो भगवान कुछ दिए देखो सूरदास का कहते हैं सूरदास जी कहते हैं जिन्हें तनु देही ताही विसर आई कैसे नमक हरामी मौसम को न कुटिल कलकामी यदि समझ रहे ना सबके सब दुनिया में अगर कोई आपको 100 रुपया कोई अगर विपत्ति का समय दिया ना आप देखना जिनसे विभाग हम उसको याद कर दिया करते कि नहीं जिद्द भर याद करते हैं लेकिन जिसने ये इंसान का जीवन दिया हॉस्पिटल में कोई भर्ती हुए जब जब उसको ऑक्सीजन देते हैं ना हॉस्पिटल ऑक्सीजन उसका पैसा देते हैं जो फ्री का जो ऑक्सीजन दिया है और नाक को पास में रख दिया तो नाक को पास में रख दिया ऑक्सीजन जैसे बिजली लग चल रात को बिजली चलता है उसका पेमेंट देते कि देते हैं लेकिन दिन में जो इतना लाइट जो दे दिया हवा जो दिया है तो उसके लिए तुम क्या करते हो हाँ इसलिए सूरदास जी कहते जिन्हें तनु देही ताही विसराई कैसे नमक हरामी कहते मौसम कौन कुटिल खलकामी मेरे जैसे दुष्ट कौन हो सकता है देखो और एक अबुरा मत मानो हम जीवन में जो कुछ करते हैं ना दूसरे के सुख के लिए है कि नहीं पत्नी को सुख दो पति को सुख दो बच्चे को सुख दो सबको खुश अभी कहते सेवा करते करते कोई खुश हुआ हो तुम्हारी घर में बता दो आप हमें बता दो सबका सेवा कर रहे हो लेकिन सभी का गाली भी सुन रहे हो कर रहे हो सभी के लिए सभी का गाली सुनको सुनना पड़ेगा अगर जिंदगी भर करो थोड़ी सी अगर भूल चुप हो जाएगा ना झट आना है तो मेरे लिए क्या किया एकदम जगत में किसी को भी खुश नहीं कर सकते लेकिन सुदामा ने भगवान को दो मिनट चिड़वा दिया भगवान त्रिभुवन का राज्य दे दिया
भगवान के अंगुल कट गया, द्रौपदी थोड़ी डांटे जे लग दी। ठाकुर जी सोच रहे हैं कब मेरे को सुजोग मिले, इसका ऋणी कब, मैं कब ऋणी भर, कब इसका ऋणी चुकाऊं, भाई सब आपको ऋणी चुका है। इसलिए ये सूरदास जी कहते हैं, जिनी तनु देही ताही बिसराई, कैसे नम घालामी मो सम कौन कुटी लख लखामी। मेरे जैसे दुष्ट कौन हो सकता है, जिसने सब कुछ दिया उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, पर लास्ट में वही जाएगा और कुछ जानने वाले नहीं। इसलिए क्या करनी चाहिए, संतों का कहना, 100 काम छोड़कर भजन करो, 1000 काम छोड़कर काम करो, और करोड़ों काम छोड़कर भजन करो। इसलिए सवेरे उठकर क्या करो, पहले सबसे पहले भगवान की माला जपो, करोड़ों काम अगर हो उसको पीछे रख दो, होता रहेगा। तुम नहीं करोगे तो ये मत समझो चलेगा नहीं। पहले मैं बताया था ना, जब कुत्ता बैलगाड़ी को नीचे चल, जब बैलगाड़ी चलती है ना उसके पीछे एक कुत्ता चलता है, तो कुत्ता क्या सोचता है, मेरी वजह से ही बैलगाड़ी चल रहा है। वो सोचता है नीचे नीचे चलता सोचता है, इसलिए मेरी वजह से, अगर मैं रुक जाऊंगा ना मेरी बैलगाड़ी रुक जाएगी। हमारी ये भूल धारणा है, हम नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा, मर जाओ देखो बढ़िया से चलेगा। इसलिए सारे काम छोड़ करके सवेरे बैठ करके जो चीज चाहेगी हमारे साथ में, जिससे जीवन में शांति सुख मिल सकता है, सबसे पहले भजन, उसके बाद में भोजन, पहले भजन उसके बाद में भोजन, ठीक है। अभी आज एक माला करेंगे, 5 मिनट लगेगा, हम माला सब निकाल लो। मैं माला लाया हूँ लेकिन वो माला भाई जो मेरे जो प्यार देखो ना जो छोटे खोलो तो उसका निकाला प्यार है उस अंदर में। हाँ सबके सब, हाँ किसको उसमें माला नहीं है, माला किसको किसके पास में नहीं है, तो माला ला रहे हैं आपके, एक माला दे देंगे, आप माला सब करना हमारे साथ, ठीक है। हाँ हरे कृष्णा, देखो ये माला किसी जब करके देख लो अभी, लेके जो तो भक्त लोग को जानते हो, लेकिन जिसको पास माला नहीं देख, इधर देख लो, जैसे ये माला जब करते हैं ना, हाँ ये भैया बैठ जाते हैं, इसलिए जब ये माला हम लोग देख लो, जो माला जब करते हैं ये अंगुल को हम टच नहीं कराते, क्योंकि ये गंदा अंगुल इस सबसे पहले निकलता, तेरे को हम देख लेंगे, हम बोलते ना तेरे को हम देख लेंगे, क्या तुम मेरे को समझते हो, इसलिए ये अंगुल को हम बाहर निकालते हैं, और ये बीच वाले अंगुल गुम्बर में ये माला को रखते हैं, रख करके फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक मोती सरकाते हैं, फिर दो बार बोल करके दो मोती सरकाते हैं, तीन बार बोल करके तीन मोती सरकाते हैं, और जब यहाँ खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ जब खत्म होता है ये अंगुल को हम पार नहीं करते हैं, क्योंकि जो ये जो बीच है देख लो, ये राधा कृष्ण का रूप है, और ये एक एक मोती नहीं, ये एक एक गोपी है, 8 मोती के पास में एक धागा है, मतलब ये भगवान की ललिता विशाखा चंपक लता चित्रा सुचित्रा भगवान की 8 गोपियां हैं, मानो भगवान को बीच में रख करके ये गोपियां रास कर रहे हैं, ये रास, ये माला नहीं है, ये स्वयं श्री ठाकुर जी बीच में, ठाकुर जी है दे दो, इसलिए यहाँ तक आने पर उसको पार नहीं करते, उसको घुमा देते हैं। ना है पीछे दर्जन के पास में नहीं दे दो, फिर माला फिर वापस दे देना सबके साथ। हरे कृष्णा हाँ सबके साथ, मेरे साथ में जोर जोर से बोलना, क्योंकि माला तक एक जप करेंगे, लेकिन हम जितने भक्त बैठे हैं ना, जब हम जोर जोर से करेंगे सभी का आवाज सबको कान में जाएगा, इसलिए मानो 30-40 भक्त बैठे हुए माला तो एक करेंगे, लेकिन 40 माला करने का मन मिलेगा, क्यों, सभी के आवाज सभी को कान में जाएगा, ठीक है। बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram, Ram,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Kr
Radhe Radhe everyone, time to finish now. We gave me the prasadam now. Okay. Haribol.